नमस्कार, माय किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी। उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमें उड़द की दाल चाहिए। यह हमने 2 कटोरी दाल ले ली है। इसे अच्छे से साफ करके पानी में भिगो के हम 3-4 घंटा के लिए भिगो दिए थे। इसे फूलने के बाद इसको रगड़ रगड़ के छिकले निकाल दिए हैं पानी की सहायता से, और इसे एक कंटेनर में डाल के दरदरा मोटा पीस लिया है। देखिए इस तरह से आप कचौड़ी में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे इस दाल से। स्टफिंग के लिए हमने मसाले तैयार करके रख लिए हैं। ये हमारा मिक्स मसाला है, इसमें जीरा, धनिया, काली मिर्च, 2 लाल खड़े मिर्च, ये सब हमने पीस के रख लिया है। ये जीरा है, ये हींग है, ये अदरक है, कद्दूकस कर लिया है छोटे वाले कद्दूकस से, ये हरी मिर्च है 2 हमने काट ली, ये अजवाइन है, ये हमने 500 ग्राम आटा रख लिया है, ये पानी, ये तेल है, ये आमचूर पाउडर मतलब किसी खटाई, इन सब चीजों से हम बनाएंगे स्टफिंग। ये स्टफिंग इस आटे का अच्छा सा डो बनाएंगे और इसमें स्टफिंग भर के हम कचौड़ियां बनाएंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल डाल दिया, ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, आप जो तेल खाते हैं वो डालिएगा। तेल को गर्म होने देते हैं। दाल में थोड़ा स्टफिंग बनाने में तेल ज्यादा ही लगता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हींग डाल दूंगी, अजवाइन डालूंगी, ये जीरा डाल दूंगी। सभी को अच्छे से पकाते हैं। ये हरी मिर्च डाल दूंगी, एक बार मिला लेती हूँ। ये ग्रेट किया हुआ अदरक रखा था वो डालूंगी। सभी मसालों को अच्छे से पकाएंगे। गोल्डन रेड होने तक पकाते हैं सभी मसालों को। मसाला अच्छे से पक गया है। जो ये अदरक था वो सब देखो गोल्डन रेड हो गया है, सारे मसाले हो गए हैं। अब इसमें मैं दाल डालूंगी, ये जो मैंने दाल पीस के रखी थी दरदरा वो डाल दूंगी। मिलाते जाएंगे। इसी तरह सारी दाल डाल देती हूँ, मिलाऊंगी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। सभी दाल डाल दिए हैं, पकाएंगे स्लो आंच पे। अब इसको इसे हम स्लो आंच पे किसी तरह से चला चला के चारों तरफ से 15 मिनट तक पकाएंगे इसे। उसके बाद देखते हैं 15 मिनट में कैसी पकती है, कम पकेगी तो उसे और भी हम पकाएंगे। जब तक हमारी स्टफिंग पक के तैयार हो रही तब तक मैं आटा अच्छा सा डो बना के रख लेती हूँ। ये हमने आटा छान के रख लिया है, इसमें कुछ नहीं है, साफ हो गया है आटा। हम डालेंगे कुछ नहीं इसमें, ना तेल डालेंगे, ना अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे, हम सादे आटे से ही कचौड़ी बनाएंगे। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसे अच्छा सा डो बनाएंगे। हमने अच्छा आटा गूंथ के रख लिया है, इस तरह का डो बन गया है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं, डाल के देखते हैं। दाल भी अभी पकी नहीं है अच्छी तरह से, गोल्डन रेड होने तक पकाएंगे इसे, इसलिए आग पे रखेंगे इसे।
अब इसमें मसाले कुछ मिला देती हूँ। ये पिसी खटाई आमचूर पाउडर डाल दूंगी। ये मसाला जो मैं गरम मसाला रखा था वो डाल दूंगी। इसमें काला नमक भी है, सारे मसाले इसी में है। ये स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। नमक इसमें भी है, मिला देती हूँ। हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरा धनिया लॉकडाउन चल रहा है इस समय नहीं मिल पा रहा। इस तरह से देखिए, जब ये दाल का टुकड़ा इस तरह से दाबेंगे हम, अच्छी तरह से टूट जाएगा। समझ लीजिए दाल पक गई मेरी, इस तरह से तैयार हो गई है। अभी से पकाएंगे 5 मिनट और। स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, अब इसकी कचौड़ी बनाएंगे। गैस बंद कर देती हूँ। ये कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, अब इसे गर्म होंगे। इसमें कचौड़ियाँ हम डालेंगे बना के। ये मेरी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है पक के। एक आटे की लोई लेंगे, इस तरह से गोलाई करके चकले पे बनाएंगे गोला। इस तरह से हमें इसमें आटे की लगाने की जरूरत नहीं है, हम तेल लगाएंगे, ये ऑयल लगा लेंगे हाथ में। इस तरह से गोला करेंगे। इस तरह से बढ़ाएंगे, दोनों हाथ में लेंगे, दोनों हाथ में पकड़ के स्टफिंग लेंगे। इस तरह से भरेंगे, इतनी भरेंगे। उंगली और अंगूठे दबाते हुए इस तरह से पूरे दाल को कवर करते हुए बनाएंगे। अब इस तरह से गोला करेंगे। ये मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, बालों में लगाई थी, इसलिए मेरे हाथों का कलर रेड रेड दिख रहा है। इस तरह से बढ़ाएंगे। इस तरह से हमको बनाना है। देखिए दाल नहीं दिख रही है अच्छे से। ये मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें हम कचौड़ी डालेंगे। पकाएंगे इसे। ये एक तरफ पक गई है मेरी कचौड़ी, अब दूसरी तरफ पलट देंगे, अच्छे से पकाएंगे। सारी कचौड़ियां इसी तरह से पका लेंगे गोल्डन रेड होने तक। पलट पलट के चारों तरफ से देखिए बहुत अच्छी फूल के पक्के तैयार हुई है। ये हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं उड़द की दाल की, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। बहुत देखिए इस तरह से चारों तरफ से बहुत ही अच्छी पक के तैयार हो गई हैं। आप भी बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। मेरी वीडियो पसंद आए, कचौड़ी रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।